हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आ चुका हूँ आपके लिए एकदम फाइनली वापस वीडियो लेके धमाकेदार। तो आज की इस वीडियो में आपको जो मैं कल वीडियो डाला था जो कि ब्लॉक कॉल के नोटिफिकेशन जी के बारे में बताया हुआ था, उसमें एक सेटिंग जो कि ऊपर चालू करने के लिए भूल गए थे आप लोग, तो वो आप सामने दिखा दे रहा हूँ डिस्प्ले पे, जो कि इस सेटिंग को आपको इनेबल कर देना है। कि कल मैं बताना भूल गया था इस सेटिंग के बारे में, मैं बोला था बंद कर देना, लेकिन उस सेटिंग को चालू रखना, तभी वो सेटिंग में आपका जो फ़ोन आता है कॉल वाला वो आपके पास नंबर दिखेगा। तो आज की इस वीडियो में उसके ऊपर दिखा देता हूँ कि आपको कौन से सेटिंग जो है इसको इनेबल करना है, जिससे आपका जो ब्लॉक नंबर है उससे शो करेगा। तो ये आप सब डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए एक बार, आपके लिए अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सेटिंग को आप जरूर इनेबल करना है, सिर्फ इनेबल करना है इसको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आज को बात करने वाले हैं कि आप WhatsApp के स्टेटस को 30 सेकंड से या उससे अधिक से कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप जी WhatsApp यूज करते हैं तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत ही आसान से हो जाएगी, लेकिन अगर आप WhatsApp यूज करते हैं आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, आपको थोड़ा सा उसका लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा, मतलब उससे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जी WhatsApp यूज करते हैं तो उसके लिए आपको एकदम धमाकेदार ट्रिक आज को बताने वाला हूँ। साथ ही आपको WhatsApp से अलग वीडियो पर बताऊंगा कि आप WhatsApp में अगले स्टेटस को कैसे मतलब काट काट के लगा सकते हैं, सो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम एक फिट करेंगे जैसे आपके WhatsApp में स्टेटस लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको जियो WhatsApp से रिलेटेड स्टेटस के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि जियो WhatsApp में जो है 7 मिनट तक के स्टेटस लगाने के वो देता है, लेकिन जियो WhatsApp का जो स्टेटस 7 मिनट का रहता है वो सिर्फ और सिर्फ जियो WhatsApp यूजर को ही 7 मिनट का स्टेटस दिखता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप जियो WhatsApp यूज करते हैं, अगर आप जिसको दिखाना चाहते हैं सामने वाला बंदा भी अगर आपका जियो WhatsApp यूज करता है तो ही आपका स्टेटस उसको 7 मिनट तक शो करेगा, वरना अगर आप जियो WhatsApp यूज नहीं करता है, नॉर्मल WhatsApp यूज करता है, तो आपके उसका यूजर को आपका पूरा स्टेटस शो नहीं करेगा, ओनली जो 15 सेकंड का है सिर्फ वही 15 सेकंड वाला ही शो करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जियो WhatsApp में जो है स्टेटस को किस तरह से काट काट के लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें ऐसी सेटिंग दी हुई है जिसे आप इनेबल करने से अपने गैलरी की वीडियो कोई भी सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें कट पेस्ट में हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने आप मोबाइल की स्क्रीन पे और वहां पे आपको फटाक से दिखा देता हूँ कि कौन सी सेटिंग है और आप उसे कैसे इनेबल करनी है, आपकी कौन सी ट्रिक है उसे कैसे यूज करना है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल। हेलो वेलकम बैक। तो आज को हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे फाइनली हूँ, यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप उस सेटिंग को इनेबल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने WhatsApp पे और जियो WhatsApp, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जियो WhatsApp वालों के लिए है। अगर आप नॉर्मल WhatsApp यूज करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके लिए वो काम आसान हो जाए, फटाक से आप अपने स्टेटस में लगा सकें वीडियो। तो आज का ये वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ जियो WhatsApp से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपने WhatsApp की तरफ, मैं फिलहाल WhatsApp अपना ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे आप जैसे इसे इनेबल करेंगे फटाक से इसको स्टेटस में जाना है। स्टेटस में जाने के बाद आपके सामने एक सीजर का आइकन होगा, सीजर मतलब कैंची होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि आप मुझे इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीजर का मतलब कैंची होता है। आप उस कैंची के आइकन पे पेन के ऊपर जो है सबसे ऊपर वाले आइकन को आपको क्लिक करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके फोन में जितने भी वीडियो हैं आपके सामने आ जाएगी, आपकी जिस गैलरी में वीडियो है आप फटाक से उस गैलरी में आ जाइए, फटाक से आप उसे एक बार चूज कर लीजिए, आपका जिस गैलरी में फोटो है। तो मैं यहाँ पे फटाक से इस गैलरी में से चूज कर लेता हूँ एक वीडियो, तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का जो लोगो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ये सिर्फ 10 सेकंड का, इसके लिए इसको जरूरत नहीं है, सिर्फ कट नहीं हो पाएगा, यहाँ पर दूसरा वीडियो में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा वीडियो कोई सिलेक्ट करता हूँ जो कि 30 या 2 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा हो, तो कौन सी मैं सिलेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 भागों में कन्वर्ट हो चुका है और आपके सामने एकदम कट पीस्ट फटाक फटाक से आ चुका है। तो आप इसे जैसे इनेबल करना चाहते हैं आप इसे, हालांकि जैसे टच करेंगे तो आपके सारे स्टेटस जो 30 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर इसमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं या कोई इमोजी लगाना चाहते हैं तो आप इसमें जाइए, आप इसमें कुछ लगाना चाहते हैं तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, अगर आप अगले वाले में भी इसमें लगाना चाहते हैं तो इसमें भी लगा सकते हैं, अगर आप इसमें भी लगाना चाहते हैं तीसरे नंबर में तो आप इसमें अगर कोई लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, इसमें लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर इसमें करना चाहते हैं तो अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आया है, इनमें से किसी को हटाना चाहते हैं तो आपके सामने ये डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, यह डिलीट का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आओ डिलीट हो जाएगा। अगर आपने लास्ट का डिलीट करना है तो आपको इसमें मैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो यहाँ लास्ट वाला हमारा जो डिलीट हो चुका है,
इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में बिना झंझट के फटाफट लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, साथ ही आपको इसमें कोई इमोजी भी लगाना है तो आप इसे इमोजी को भी लगा सकते हैं। मैं फिलहाल टाइमिंग टेक करना है तो फटाफट आप टाइमिंग टेक यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा होएगा नहीं क्योंकि मैं वीडियो को प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हो चुका है, हालांकि कॉपीराइट आ जाएगा इसके लिए मैं इसको प्ले नहीं कर सकता। तो आप इस तरह से फटाक से अपने उसमें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कट हो जाए ये आपके गैलरी में भी सेव हो गया होगा कट होके, तो आप जैसे इसको शो करेंगे आपके गैलरी में भी आप कट पेस्ट इसका मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको फोन की गैलरी में नहीं, आपको फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा, तभी ये सारे की सारी वीडियो आपके फोन में मिलेगी। तो आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा, हेल्पफुल रहेगा उम्मीद करता हूँ। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन 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 अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।